प्रताप सरनाईक आपको वचन देता है और प्रताप सरनाईक जो बोलता है वो करके दिखाता है। आपने एक घाट मांगा मगर घोड़ मंदर चौपाटी। अरे हल्ला कर रहा है। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, हमारी बहनें भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे है। घोड़ मंदर चौपाटी पे चौपाटी के साथ घाट बनेगा, कनकिया चौपाटी उसके साथ भी एक घाट बनेगा, और इसके पीछे होने वाले नवघर चौपाटी है में भी हमारे छठ पूजा के लिए घाट बनाएगा। ये प्रॉमिस वचन आपके पास है। हल्ला करके वाकई में बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे आमदार माननीय श्री भाई लोकन जी। कैसन हवा भाई लोकन जी, कैसन हवा भाई लोकन जी, कैसन हवा बहू जी और दीदी, कैसन हो आपन लोकन के साथ आज मैं बोले के आयल है। ऐसा है कि मैं भले इस थाने शहर में रहता हूं, लेकिन थाने शहर में रहने के बावजूद भी मैं इस पूरे हिंदुस्तान में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से आज घूम रहा हूं। मैं महाराष्ट्र और मुंबई में सिर्फ युवा सेना का काम न करते हुए आज उत्तराखंड में काम कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, राजस्थान में काम कर रहा हूं, ऐसे अनेक राज्यों में काम कर रहा हूं, और वही चीज बताने आया हूं कि जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद हमें आपकी तरफ से हमेशा आपका सहयोग इतने सालों से मिलते आ रहा है, उसी प्रकार का सहयोग हमें अभी भी आपका लगने वाला है। आज गुलाबचंद जी यहां पर है, साथ ही में हमारे महादेव जी हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग आएंगे आपके पास और कहेंगे अरे ये उत्तर भारतीय समाज वाले लोग कभी भी शिवसेना के नहीं हो सकते, लेकिन मैं एक चीज गर्व से कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये उत्तर भारतीय लोग सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के ही हो सकते हैं, और इन शिवसेना के वजह से ही इन उत्तर भारतीय समाज के हमारे सभी भाई और बहनों को